रामायण को जब पढ़ा तो इस दुनिया में राम से दुष्ट कोई व्यक्ति नहीं। ये जो धर्म है हिंदू धर्म वो गलत है और इसको नेस्तनाबूत किए बगैर इस देश का कल्याण नहीं है। कि युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए तो कल का दिन हमारा होगा, बौद्धिस्ट राज बनेगा और दुनिया में बुद्ध का पूरा डंका बजेगा। नागपुर जो है बहुत प्रसिद्ध नगरी है। भगवान बुद्ध के पहले 5000 साल पहले जब ब्राह्मण लोग आए तो नागपुर शब्द उन्होंने दिया। नागपुर माने नो गॉड, नागपुर, नाग मतलब नो गॉड, दूसरा अर्थ है नाग मतलब खतरनाक। ये बुद्ध धर्म के पहले से हो गया और इसके साथ में नागपुर से छोटा नागपुर, ये दोनों सम्मिलित खतरनाक प्रदेश मानते थे ब्राह्मण लोग और इसलिए इन्होंने नो गॉड, ईश्वर को नहीं मानने वाले नागपुर शब्द की उत्पत्ति हुई। तो साथियों, मैं हमेशा नागपुर से प्रभावित रहा और इस थ्योरी को जान करके नो गॉड की उत्पत्ति ब्राह्मणों ने की। भूपेश लोग दो भाई हैं, दो बहनें हैं, तो जो छोटा भाई है वो अपने को रावण कहता है और अपने बेटे का नाम इंद्रजीत रखा है। वो घोर बुद्धिवादी है, बौद्धिस्ट है। तो मेरे घर में अनजाने में हम बौद्धिस्ट थे, उस समय हम बुद्ध धर्म को जानते नहीं थे, लेकिन मैं सभी बच्चों को ये कहा कि जो मैं कहता हूँ उसे मत मानो। जो भूपेश मुख्यमंत्री बना उसका बड़ा कारण यह है कि हमने पहले से कहा कि आज्ञाकारी मत बनो, मैं कहता हूँ उसे मत मानो, लेकिन विचार करो और तुमको जचे तब मान लो। ये इसी बात ने हमको अलग किया और भूपेश को मुख्यमंत्री बना दिया। बाद में मैं जो रावण को मत मारो लिखा किताब, तो उसमें एक पत्रकार भाई थे ब्राह्मण, उसने पूछा कि आपकी इस किताब से गोधराकांड में हजारों लोग मर जाएंगे। तो मैंने कहा कि गोधराकांड में मरते हैं तो मरने दो, यहाँ जनसंख्या की कमी नहीं है, लेकिन ये जो धर्म है हिंदू धर्म वो गलत है और इसको नेस्तनाबूत किए बगैर इस देश का कल्याण नहीं है। जैसा मैंने कहा तो उसने कहा कि आप कौन से धर्म को मानते हो। तो मैंने उस समय कहा कि मैं धर्मों को पूरी तरह जानता नहीं हूँ और पढ़ लूंगा तो उसके बाद जानूंगा, उसके बाद तय करूंगा मुझे कौन सा धर्म लगता है। तो मैं बाइबिल पढ़ा, कुरान पढ़ा, 18 वेद पढ़ा, 18 पुराण पढ़ा, चारों वेद पढ़ा और रामायण को पढ़ा। तो रामायण को जब पढ़ा तो इस दुनिया में राम से दुष्ट कोई व्यक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? उसका दो बड़े कारण है। एक कारण यह है कि जो शिक्षा शास्त्री थे उसकी हत्या किया राम ने, कबंध की हत्या किया, शंभू कुर्मी का हत्या किया, विराट का हत्या किया। ये लोग लड़ नहीं रहे थे, ये लोग निहत्य थे, ये लोग शिक्षा शास्त्री थे। कबंध के बारे में ये कहते हैं, सुनाओ ये कबंध, तुमने तुमको इसलिए मारा कि तुम शिक्षा शास्त्री हो और उसके कारण ब्राह्मण लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ब्राह्मण पढ़ेंगे कैसे, पढ़ाई का जिम्मेदारी ब्राह्मणों को है। और सापत ताड़त परस कंता विप्र पूज्य एस गावाई संता, राम तुलसीदास ने लिखा है कि सापत ताड़त परस कंता विप्र पूज्य एस गावाई संता, यदि ब्राह्मण साप दे, ताड़ना दे, कठोर वचन कहे तो भी वो पूजनीय है। पूजिए न विप्र ज्ञान गुणहीना, यदि ब्राह्मण ज्ञान गुणहीन है तो भी उसको पूजिए। और पूजिए न शूद्र ज्ञान प्रवीणा, यदि शूद्र ज्ञान प्रवीणा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है और कोई कलेक्टर है और कोई कुछ है तो भी वो पूजनीय नहीं है। वो चाहे कलेक्टर हो चाहे जो भी हो, जो भागवत कथाकार है ना उसका पैर पड़ेगा।
तो इस तरह से तुलसीदास ने जो कहा है उसको इस देश के ओबीसी मान्य किए, राम को आदर्श माने। तो मैंने ये कहा कि जो राम हमको इस तरह से शूद्र बनाता है और अनपढ़ बनाए रखने के लिए उसकी हत्या करता है, जो ये गबंध गबंध माने बिना सिर का, अब सिर का आदमी नहीं रहेगा तो उसको वो क्या बोलेगा। तो लोग बोलते हैं ना बेसिर पैर बात करता है यार कर, तो इसलिए राम ने उसको कहा बिना सिर का। अब उसका 20 योजन लंबा हाथ था, दोनों हाथ करके 40 योजन, वहाँ से वो शिकार लाता था और शिकार ला के खा जाता था। तो मैंने सोचा कि भाई इतना घोर जंगल में, इस समय जो जंगल है उससे ज़्यादा घोर जंगल था, उसमें उसका हाथ कैसे फैलता होगा और कैसे शिकार लाता था। इसका मतलब यह है कि कबंध 80 योजन 100 योजन लंबा चौड़ा क्षेत्र का क्षेत्र में प्रभाव रखता था, वो शिक्षा शास्त्री थे, वो यूनिवर्सिटी चलाते थे, और उसको राम ने मारा और उस यूनिवर्सिटी को नष्ट किया। इसलिए दुनिया का कोई भी जो दुष्ट आदमी है, कोई भी खराब से खराब आदमी अपने लोगों को अशिक्षित नहीं रखना चाहेगा, लेकिन राम ने रखा, इसलिए दुनिया का सबसे दुष्ट आदमी उसको मैं मानता हूँ। अब सीता के साथ में जो उसने किया उसको देखिए, लक्ष्मण की जो पत्नी थी वो भी साथ में जाना चाहती थी, लेकिन ये ब्राह्मणों ने कहा कि उसकी पत्नी नहीं जाएगी, क्योंकि लक्ष्मण की पत्नी पाई हुई पत्नी नहीं थी, वो पत्नी इसके थी, उसकी पत्नी क्षत्रिय की थी, वो जनक के भाई की पत्नी थी, इसलिए उनको जाने से मना कर दिया। और जाने से मना कर दिया तो सीता गई, 13 साल तक के उसके साथ में घूमी, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, लक्ष्मण गए बने जब लेन कंदमूल फल, लक्ष्मण कंदमूल फल लेने के लिए गए तो उनके गृहस्थी में कहते हैं तुम पावक मह करो निवास, तुम अग्नि में समा जाओ, मायक सीता बन जाओ, रावण आए चले जाना। कौन दुष्ट आदमी है वो भगवान बनेगा जो अपनी पत्नी को दुश्मन के यहाँ भेजेगा, भगवान नहीं मान सकते हम उसको। फिर आगे क्या कहते हैं कि कटुक वचन सीता जब बोला प्रभु प्रेरित लक्ष्मण मंडोला, वहां से पुकार आया कि लक्ष्मण लक्ष्मण सीते बचाओ बचाओ, तब सीता कहती है कि तुम अपने भाई की रक्षा के लिए चल रहे। लक्ष्मण ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हूँ, और राम बुला रहे हैं तो प्रभु की भृगुटी तन जाएगी, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, लेकिन उसको मारने वाला कोई नहीं है। तब कटुक वचन सीता जब बोला प्रभु प्रेरित लक्ष्मण मंडोला, इसका अर्थ यह है कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है, तुलसीदास ने यह लिखा है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जिस समय हम अयोध्या से निकले उसी समय तुम्हारी नियत खराब था, और तुम ये सोचते हो कि राम के मरने के बाद तुम मुझसे शादी करने की इच्छा रखते हो, वो गलत है, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी, ये सीता ने बोला। तुलसीदास लिखते हैं कटुक वचन सीता जब बोला प्रभु प्रेरित लक्ष्मण मंडोला, कड़वी वचन जब बोला सीता ने, उसमें वाल्मीकि रामायण लिखा है, मतलब इसका मतलब यह है कि मैं हर चीज को बहुत बारीकी से खोजा पाया और उसको नोट किया, और तब मैं रावण को मत मारो किताब लिखा। आगे देखिए, राम सीता को ये पावर था कि वो एक तिनका दिखाती और वो रावण मर जाता, लेकिन सीता जब रावण उसको विमान में बैठा है तो क्यों वो नहीं दिखाई एक तिनका, इसलिए कि राम का ऑर्डर था वहां जाओ। और उसके बाद रावण का मरने के बाद क्या हालत हुई, रावण के मरने के बाद सीता को नहला के राम के पास लाए, तब राम कहते हैं कि तुम उस दीपक के समान हो जो जिसका आंख आया हुआ है, आंख के रोग है, और आंख के रोग को दीपक नहीं सुहाता, इसलिए तुम मेरे आंख से चले जाओ, मैं मुझसे दूर हो जाओ। ये आप हिंदी समझ रहे हो, नहीं तो मैं बोलता रहूंगा आप सुनते रहोगे।
जितना आप हिंदी समझते हो ना उतना मैं मराठी समझता हूँ। तो साथियों हुआ ये, राम कहते हैं कि तुम चाहो तो भरत के साथ रहो, चाहो तो लक्ष्मण के साथ रहो, तुम्हारी इच्छा हो तो सुग्रीव के पास साथ रहो, तुम्हारी इच्छा हो तो अंगद के साथ रहो, लेकिन मेरे आंख से हट जाओ। उसके बाद क्या हुआ, सीता ने लक्ष्मण से कहा कि सीता सराओ सजाओ और मैं उसमें जलने के लिए तैयार हूँ, और उस ब्राह्मण लोग उसको जलवाए ऐसा कहना है। लेकिन सीता जली या नहीं जली, लेकिन ये बात बताओ कि दुनिया में 6 अरब जनसंख्या है, उसमें 3 अरब औरतें हैं, उनको यदि जलाया जाए तो क्या बचेंगी, सती सती होगी तो जलेगी, पवित्र होगी तो जलेगी। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि तुम पावक माँ गर्भ निवासा, तुम अग्नि में समा जाओ, मायक सीता बन जाओ, तो कहना था ना कि मैं मायक सीता बनवाया हूँ और इसलिए उस पर कोई ये आँच नहीं आना चाहिए। उसके बाद और राम ने क्या गलती किया, सीता के जलने के बाद उसको अयोध्या ले आए, अयोध्या में धोबी के कहने से सीता को कहा गया कि अपवित्र है, उस राम को 2 हंटर धोबी जो धोबी को लगाना था लेकिन वो नहीं लगाया। मुसलमान लोग तो 3 तलाक देते हैं, वो एक भी तलाक नहीं दिया और उस सीता को बाहर निकाल गया। तीनों लोगों को ब्राह्मण लोग हत्या किए, राम सीता लक्ष्मण। वाल्मीकि रामायण में 76 सर्ग में लिखा है उत्तरकांड में कि सीता आत्महत्या किस लिए की, कि सीता की मूर्ति बना करके ये वहाँ राम यज्ञ कर रहा था, उसको देखी तो फिर वो आत्महत्या कर ली, जमीन में गड़ गई, पृथ्वी में समा गई, ऐसा जो बोलते हैं। तो ब्राह्मण लोग तो कोई पृथ्वी में समाते नहीं है सीता को वो बोलते हैं पृथ्वी में समा गई, वो आत्महत्या की। उसके बाद लक्ष्मण का नंबर आया, लक्ष्मण को कहा गया कि मैं काल से वार्ता कर रहा हूँ, तुम यहाँ मत आना, आओगे तो तुम्हारी कत्लेआम होगी, ये राम ने कहा था। उधर से दुर्वासा ऋषि आया, दुर्वासा ऋषि ने कहा लक्ष्मण को तुम अभी मिलवाओ नहीं तो तुम्हारा वंश का नाश कर दूंगा, श्राप दूंगा। तो लक्ष्मण डर के मारे बोला भरी मेरी हत्या भले हो जाए लेकिन मैं आपको मिलवाता हूँ, करके राम के पास गया और राम ने कहा कि तुम्हारी हत्या हो जाएगी और तुम क्यों आए। तो लक्ष्मण ने तलवार निकाला और अपने सिर काट दिया और दुर्वासा ऋषि को मिलवाया। जब राम लक्ष्मण और सीता की हत्या हुई तब राम ने सरयू नदी में डूब कर आत्महत्या किया। इस तरह ब्राह्मणों का स्वभाव क्या है, इस कथा कहने के अर्थ में यह है कि ब्राह्मण जो उसको वोट देगा उसकी हत्या करेगा, राजा बलि ने उनको 3 पग धरती दिया, शुक्राचार्य ने कहा मत दो उसको दान, बहुत छलिया है, वो छल कपट करके क्या करेगा पता नहीं, उसने 3 पग धरती दे दिया, 1 पग आकाश में रखा, 1 पग पृथ्वी में, और तीसरा पग कहाँ रखूं। तो राजा बलि ने कहा मेरे सिर पर रख दो और उसको पताल लोक का राजा बनाओ। आज तक के एक भी ब्राह्मण पताल लोक का राजा बनने के लिए तैयार नहीं तो जो उसको दान देगा दक्षिणा देगा उसकी सत्यानाश करेगा। आप यदि ब्राह्मण को वोट देते हो तो आप सत्यानाश होगा। वो भूपेश बघेल ने 27% आरक्षण ओबीसी को दिया, क्या हुआ ये कि 40 ब्राह्मण वहां हाई कोर्ट में रिट दायर किए कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिले, मिलना चाहिए, वहां जज भी ब्राह्मण, वो लोग भी ब्राह्मण। तो ब्राह्मण लोग जब वोट मांगे तो मैं एक दिन घुमा रायपुर में, एक दिन कोरबा में, एक दिन बिलासपुर में, और यही कहा कि ब्राह्मणों को वोट मत दो, जो हमारे आरक्षण को समाप्त करना चाहता है उसको वोट दोगे तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ और कांग्रेस ने देखे जीती, कांग्रेस में 80 सीट में 28 सीट ब्राह्मणों ने लिया
ब्राह्मण बनिया ठाकुर, ये तीनों लोग लिए और मैंने अपील जारी किया ये फोन से, सब फेसबुक में डाला और वहाँ ब्राह्मणों का जीतना मुश्किल हो गया। तो भूपेश बघेल को कहते हैं कि बेटा कुछ कहता है, बाप कुछ कहता है, तो मैं आज्ञाकारी बाप नहीं हूँ बुद्धि के अनुसार, और वो आज्ञाकारी बेटा नहीं है। तो साथियों, इस तरह के है ब्राह्मणवाद को समाप्त करने के लिए। कल मैं निराश था, आज मैं आशावादी हूँ, क्यों कि इतनी महिलाएं देख करके तो मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ। इनको यदि 543 सीटों में भेजूंगा और वो जो भाषा का भाषांतर होता है वो अगर ये इनको दे दिया जाए कि तुम मराठी में बोलो, उड़िया में आपका ट्रांसलेट हो जाएगा, कन्नड़ में ट्रांसलेट हो जाएगा, तो वे भारत के प्रधान नेतृत्व तो होंगी। ओठ हमारा राज तुम्हारा नहीं होगा, ये कांसीराम की नारा होगा, अभी तक ये हो रहा है, ओठ हमारा राज तुम्हारा यही होगा, लोग कहते आ रहे हैं। आम्बेडकर साहब के संबंध में मुझे कहना ये है कि आम्बेडकर के जो आरक्षण की नीति है उसको सरदार पटेल नहीं माने, और नहीं मान करके उनको ये कहा कि आप भी ओबीसी के लिए आरक्षण दे लो, लेकिन सरदार पटेल ने आरक्षण की बात कहा कि हम आरक्षण नहीं लेते। और उसने सबसे बड़ी गलती किया कि जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने के लिए गांधी जी ने उससे हस्ताक्षर करवा दिया, ये सबसे बड़ी गलती है। और जवाहरलाल नेहरू ने पूरे देश में प्रधान मुख्यमंत्री ये बनाया, ब्राह्मणों को बनाया। हमारा नारा ये है कि सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हम ओबीसी का बनाएंगे और प्रधानमंत्री हम एससी का बनाएंगे। सतनामी लोग कहते हैं कि मन के एक समान, गुरु हरिदास ने कहा है हर आदमी एक है, तो जहाँ एक है समतावादी विचार आता है वो ब्राह्मण आग बबूले हो जाते हैं, उनको विषमतावादी चाहिए। मुसलमान को कहते हैं कि अल्लाह के सामने मुस्लिम जो है वो चपरासी यदि आ जाए और उसके राजा आ जाए तो चपरासी हटेगा नहीं, क्योंकि अल्लाह के सामने सब एक हैं, चपरासी और वो राजा, तो अल्लाह के सामने सब बराबर हैं। जहां बराबरी का नाम लिए ब्राह्मण आग को बुला लिया, क्योंकि वर्गवादी वर्णवादी व्यवस्था चाहिए, और इसलिए ब्राह्मणों का बायकाट महिलाओं के द्वारा होगा, ये मेरी कल्पना कल से है। और मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, और सारे महिला यदि तय कर ले तो ब्राह्मणवाद और आरएसएस तो यूं ही समाप्त हो जाएगा। और भी ये कहना चाहता हूँ, आरएसएस में महिला अध्यक्ष हो, जो मोहन भागवत हैं उसके बदले महिला हो, ये भी मांग आप रखी है। तो आरएसएस वो कहते हैं कि हिंदू और बौद्धिस्ट एक हैं, ये औरंगाबाद में प्रस्ताव पारित हुआ, तो हमारा ये कहना है कि वो भयभीत है, उसके अनुसार मैं ये कहता हूँ कि मोदी सामने आए, युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए ये कहें, बस्तर में कहें तो नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, 8,000 करोड़ हर साल खर्चा होता है। दूसरा ये कि भूपेश बघेल और मोदी जी जाएं जापान, और जापान जा करके उनको निवेदन करें कि बौद्ध राष्ट्रों का एक संगठन बने, और बौद्ध राष्ट्र ही दुनिया को बचा सकता है। मोदी जी बहुत विद्वान आदमी हैं और वो समय पर ऐसी भाषा बोलते हैं जो फिट हो जाता है, और कांग्रेस के लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाते। तो साथियों, मेरा ये कहना है कि युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, उसको साकार करे भाजपा, और उनके पास जाए भूपेश बघेल और मोदी जी जाएं साथ में, क्योंकि वो राज्य के मालिक हैं और वो देश के मालिक हैं, और वो कहें कि पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म का एक संगठन बनाया जाए, और जो कमजोर बौद्धिस्ट हैं जैसे हांगकांग अपनी आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, सारे द्वीप समूह अपने को असहाय महसूस करते हैं,
और उन पर चीन का कुदृष्टि है, तो जापान इस मोर्चे को संभाले ये हमारा कहना है। और यदि जापान के प्रधानमंत्री तक हमारी आवाज़ जाए तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो पूरे दुनिया के अध्यक्ष बने बौद्धिस्ट राष्ट्रों के, और बौद्धिस्ट राष्ट्र शक्तिशाली बने। कमजोर का कोई ये नहीं है, कमजोर की कोई वजूद नहीं होती, हम शक्तिशाली बनेंगे। बुद्ध बौद्धिस्ट का मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर बने, बल्कि हम शक्तिशाली बने। और जब महिलाएं हमारे साथ है तो फिर डर काहे का, सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। महिलाएं हमारे साथ है तो महिलाएं तो सृष्टि करता है, सृष्टि की जननी है, वो हमारे साथ है तो और कोई डर नहीं है। और इसलिए महिलाएं बुद्ध युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। मोदी जी भले हिंदुस्तान में आकर भूल गए हैं, लेकिन हम उसका नारा लगाएंगे कि युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। तो कल का दिन हमारा होगा, बौद्धिस्ट राज बनेगा और दुनिया में बुद्ध का पूरा डंका बजेगा। सब्सक्राइब करें समताबाद टीवी को, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही ऑल वाले बटन को क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले।